गाइज मेरा नाम है देवाशीष और आप देख रहे हैं टिकटॉक। तो एट लास्ट MIUI 10 आ चुका है Redmi Note 5 Pro में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है, क्या आपको मेजर इश्यूज देखने को मिलता है और क्या क्या नए फीचर्स हैं MIUI 10 के Redmi Note 5 Pro में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये MIUI 10 का स्टेबल वर्जन है Redmi Note 5 Pro के लिए। मैं बीटा के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, मैं स्टेबल के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ, तो इस वीडियो को फेक मत बोलना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसे आप कैसे इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। तो फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए मैं लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। तो वो भी कर सकते हैं या फिर आप OTA अपडेट का भी आप वेट कर सकते हैं, जो कि आपको 3-4 दिनों के अंदर आ सकता है। तो खुद फ्लैश करने के लिए दोस्तों पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर प्रेस करना पड़ेगा, वहाँ उसके बाद आपको चूज़ अपडेट पैकेज पे जाना पड़ेगा। उसके बाद जो डाउनलोड करने के बाद जो फाइल होगा वहाँ पे आप जाके प्रेस करने के बाद सिर्फ ओके प्रेस करना है। तो सिर्फ इतना करने के बाद आपका दोस्तों MIUI 9 से MIUI 10 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, अगर आप OTA का अपडेट वेट करना नहीं चाहते तो आप ऐसे भी करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। कैमरा की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना कि आपको पोर्ट्रेट मोड 1.5x जूम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पर जो स्पीड है अपना जो क्लिक स्पीड है वो भी आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपको MIUI 9 में देखने को मिलता था वैसे ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो की बात किया जाए दोस्तों, आपको अभी तक फुल HD का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, ना कि अभी तक आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो देखते हैं 4K रिकॉर्डिंग कभी आता है हमारे फ़ोन में, तो अब तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें इसके अबाउट फ़ोन में जाके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड वर्सन 8.1.0 जो कि ओरियो पे बेस्ड है। तो MIUI 10 के होने के बाद भी आपको ओरियो का वर्सन ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पेज नया वर्सन देखने को मिलता है 1 सितंबर का देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट वर्सन है और ये अच्छा है हमारे लिए क्योंकि ये अपडेटेड है सितंबर के लिए। तो यहाँ पर MIUI वर्सन आपको ग्लोबल 10.0 स्टेबल वर्जन देखने को मिलता है। तो अगर हम जाके व्हाट्स न्यू में चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नए चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे कि डिज़ाइन फॉर फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको एक नया चीज़ देखने को मिलता है फुल स्क्रीन गेस्चर में, तो आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है नेचुरल साउंड सिस्टम, तो जो कि यहाँ पर साउंड सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ नए रिंगटोन्स भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो मुझे नहीं पता था MIUI 9 में वो रिंगटोन्स थे कि नहीं, पर मुझे लगता है कि वो रिंगटोन्स नए हैं MIUI 10 में। तो उसके नीचे आपको देखने को मिलता है AI प्रीलोडिंग, तो इसका मतलब यहाँ है कि आपको ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगा MIUI 9 से ज़्यादा। तो और कुछ भी ऐसे अदर इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलता है, तो अब अगर आप MIUI 9 में हैं तो अपडेट आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलता है और आपके लिए भी ये अच्छा रहेगा। और फुल स्क्रीन की गेस्चर की बात किया जाए तो दोस्तों जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है वो ये है कि आप अगर जब बैक जाने की कोशिश करेंगे तो अगर आप होल्ड करके थोड़ा टाइम रहेंगे तो आपको जो रिसेंट टैब है वो अपने आप निकल आएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा चेंजेस यहाँ पर हुआ है, जो कि MIUI 9 में ये आपको देखने को नहीं मिल रहा था, अभी MIUI 10 में आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप रिसेंट टैब पे प्रेस करते हैं या फिर स्वाइप अप करते हैं तो आपको नया टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि MIUI 9 से बहुत अलग बनाता है और अच्छा दिखता भी है। तो ये भी एक नया फीचर यहाँ पर ऐड हुआ है। नोटिफिकेशन पैनल की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको वाइट टाइप का एक स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा भी दिखता है, क्योंकि ऊपर आपको नेटवर्क के साथ डेट टाइम सब कुछ यहाँ ऊपर देखने को मिलता है। तो सीधा बात मैं करूँ तो आपको MIUI 10 का बीटा में जो देखने को मिलता था MIUI 10 स्टेबल में सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है, तो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि बीटा में था वही सेम चीज़ें आपको स्टेबल में देखने को मिलता है। जो नया चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि यहाँ पर दिन फेस डाटा अनलॉक जो था हमारा वो स्पीड होता जा रहा है, मतलब जितने आपके अपडेट्स आ रहे हैं तो फेस अनलॉक उतना ही स्पीड होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना स्पीड हो चुका है आगे से। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू MIUI 10 Redmi Note 5 Pro के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।